हेलो फ्रेंड्स, मैं शीनू आप सभी का हमारे चैनल इंडियन फूड में स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं रसमलाई। रसमलाई बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है? पनीर 250 ग्राम लिया है मैंने, आप घर पे भी बना सकते हैं लेकिन मैंने मार्केट से मंगाया हुआ है। केसर, इलायची पाउडर 1 चम्मच, कटे हुए बादाम 1 कटोरी, चीनी, पानी और 1/2 लीटर दूध फुल क्रीम। मिल्क को हम सबसे पहले बॉयल होने रख देते हैं और इसको हल्का गाढ़ा करना है हमें। पनीर को कद्दूकस करेंगे। पनीर कद्दूकस हो गया है, इसे अच्छे से हम हाथों से मैश करेंगे और जब तक मैश करेंगे इसे इसका अच्छा से सॉफ्ट डो बन जाए। इसको कम से कम हमें 5 मिनट तक अच्छे से मैश करना है। हमारा पनीर का डो रेडी हो गया है। मिल्क बॉयल होने लगा है, इसमें इलायची पाउडर डालेंगे और केसर डाल देंगे और इसे अच्छे से चलाएंगे। इसको हम धीमी आंच में ही पकाएंगे। पनीर के डो की हम छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। उसे हाथ से हल्का सा प्रेस कर देंगे। बॉल्स तैयार हो गई हैं। अब हम गैस पे पैन रख के इसमें 1/2 कटोरी शुगर डालेंगे। इसको शुगर को गलने तक का इसका इंतजार करेंगे। कम से कम 5 या 10 मिनट अच्छे से पानी बॉईल हो जाए, उसके बाद इसमें हम पनीर वाली बाउल्स नहीं डालेंगे। जब तक उसमें चीनी गल रही है हम दूध को चलाते रहेंगे धीरे धीरे। अब हम मिल्क में भी शुगर मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से मिला देंगे। पानी अच्छे से बॉईल हो गया है, इसमें हम अपनी बॉल्स ये डाल देंगे। अब इसको 10 मिनट तक ढककर रख देंगे। फिर से हम चेक करते रहेंगे कि अच्छे से बन रही है या नहीं। मिल्क को हमें तब तक बॉईल करना है जब तक ये जल जल के आधा ना हो जाए। हमारा मिल्क रेडी हो गया है। हमारी पनीर बॉल्स का साइज बड़ा हो गया है, ये अच्छे से बॉईल हो गई है। अब हम इसे निकालेंगे और सीधे मिल्क में डाल देंगे। मिल्क भी बॉईल हो चुका है अच्छे से। अब हम गैस बंद करेंगे। और एक एक करके अपनी पनीर बॉल्स अपनी सारी पनीर बॉल्स निकालेंगे और मिल्क में डाल देंगे। रसमलाई रेडी है, अब इसको हम डेकोरेट करेंगे। केसर, इलायची पाउडर और कटे हुए बादाम।
आप इसमें पिस्ता भी डाल सकते हैं डेकोरेट करने के लिए।